दाल और चावल का ढोकला जो कि हमने बहुत ही यम्मी तरीके से बनाया है, बहुत टेस्टी तरीके से। जो बच्चे बिल्कुल दाल चावल नहीं खाते हैं वो सब इस तरह से खाएंगे। इसको दाल चावल का ढोकला भी बोल सकते हैं और इसको दाल चावल का नाश्ता भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखिए हमारी ये रेसिपी। हेलो एवरीवन, हम छाया मिश्रा आप सबका स्वागत करते हैं अपने चैनल छाया मिश्रा में। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी रेसिपी कि आज हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। तो चलते हैं किचन के। आज हम बहुत यम्मी बहुत टेस्टी नाश्ता बनाने जा रहे हैं, वो भी दाल और चावल से। तो ये देखिए, इसमें हम डालेंगे एक गिलास पानी, थोड़ा सा और डाल देंगे, ठीक है, जिससे कि कम ना पड़े। तो इसको हम पहले तो हम इसको स्टीम करने के लिए रखेंगे, ठीक है, जैसे कि जब तक हमारा परफेक्ट बैटर बने तब तक ये स्टीम हो जाए, ठीक है। तो उसको हमने रखा है फ्लेम पर, ऑन कर दी फ्लेम। ये देखिए गाइस, हमने कुछ चीजें ली हुई हैं, ये हमारी चना दाल और ये हमारी मूंग दाल, ठीक है, और ये हमारी चावल, कच्चे चावल हैं। देखिए चना दाल सबको मालूम है कि इसमें क्या होता है, ठीक है, बहुत फायदेमंद होती है। और उड़द दाल भी, मूंग दाल भी बहुत अच्छी बहुत टेस्टी होती है। और इसको हमने 4 से 5 घंटे के लिए इसको भिगो के रख दिया है। तो चलिए अब इसमें हम ऐड करते हैं चना दाल। ये हमने धो के बढ़िया साफ करके ले लिया था, तो इसमें हम अपनी ऐड करेंगे चना दाल। और ये रही हमारी मूंग दाल पूरी, ये रहे धुले साफ चावल राइस, ठीक है, आप नॉर्मली घर में जो खाते हैं बस वही ले लीजिएगा। और इनको धुल के अच्छे से भिगो, इनको भी उसी टाइम भिगोना है, सारा सामान एक साथ ही भिगो देना है। अब इसमें हम कुछ सामान ऐड करेंगे, ये देखिए 2 हरी मिर्च इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको हमने पीस में कट कर दिया है तो उसको भी ऐड करेंगे। और अब ऐड करते हैं कुछ मसाले, ये देखिए गाइस, नमक टेस्ट के हिसाब से, जिस हिसाब से आप खाते हो। और देखिए लाल मिर्च हम नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं, तो इसलिए हमने हरी मिर्च डाल दी है, तो तीखा अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए मैगी मसाला या चाट मसाला जो भी हो आपके पास वो ऐड कर दीजिए। देखिए गाइस, अब इसको लिड लगा देंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए गाइस, इस तरह से हो गया है, अभी पिसा नहीं है, तो इसमें आवश्यकता अनुसार पानी हम ऐड करेंगे। देखिए एक बार हमने ऐड कर लिया है थोड़ा सा, ये देखिए अभी भी थोड़ा सा कम है पानी और अच्छे से पिस भी नहीं रहा है, तो थोड़ा सा पानी और हम ऐड करेंगे। देखिए टोटल आधी ग्लास पानी हमने ऐड कर दिया है, फिर से पीस लेंगे। ये देखिए गाइस, अब हम अपना स्पून से लेंगे और ऐसे टच करके देखेंगे, अभी थोड़ा सा दरदरा है, अभी मोटा है, अच्छे से नहीं हुआ। और गाइस एक बात और, आप फुल वीडियो देखिएगा तभी पता चलेगा कि इसमें और हम कौन से इंग्रेडिएंट मिलाएंगे जिससे एकदम फ्लफी हमारा नाश्ता बनेगा, बहुत यम्मी बहुत फुला फुला बनेगा। तो चलिए देखिए गाइस, जब तक वो पिस रहा है तब तक ये देखिए हमने थोड़ा सा अपना केक टिन ले लिया है और इसमें हमने थोड़ा सा घी लगाया है। उसको हम पूरे में ऐसे स्प्रेड कर लेंगे जिससे कि जो हम बना रहे हैं नाश्ता उसको डीमोल्ड करने में बड़ा आसानी रहे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से करके अच्छे से हम कोट कर देंगे। ये देखिए गाइस, अब कुछ नहीं करना है, ये हम अपना ऐड करेंगे इसमें प्याज, एक मीडियम साइज प्याज कट किया हुआ है तो उसको ऐड करेंगे। और एक ये इनो सॉल्ट है, ठीक है, पूरा 1 ऐसे है तो इसको हम पूरा ऐड कर देंगे इस तरह से खड़ा। और देखिए आप इसमें और भी जिसको मसाले पसंद है वो अमचूर पाउडर भी डाल सकता है और भी चीजें डाल सकता है, बट हम नहीं डाल रहे हैं। अगर कोई सब्जी पसंद है तो वो भी आप डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो, बट हम ऐसा नहीं कर रहे क्योंकि जनरली ये सब चीजें सबके घर में अवेलेबल होती हैं, तो इसीलिए। और एक बात, हमने इनो सॉल्ट डाला है, आप चाहें तो आप डाल सकते हैं बेकिंग सोडा और सोडा। अब इसको हम बस मिला देंगे अच्छे से, और मिलाने के बाद में बिल्कुल रखना नहीं है, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि सोडा और इनो सोडा रखने के मिलाने के बाद में बिल्कुल रखा नहीं जाता। ये देखिए अब इसमें हम ये सब ऐड कर देंगे और तुरंत ही बिल्कुल बिल्कुल तुरंत हम इसको स्टीमर में रखेंगे, बिल्कुल रखना नहीं है इसको, क्योंकि अगर आप रख दोगे ना तो ये जो झाग बना हुआ है ये सारा बैठ जाएगा जो कि फ्लफनेस नहीं आएगी। तो ये देखिए इस तरह से कर दिया, ज्यादा नहीं करना है। और ये देखिए एक स्टैंड ले लिया, अब हम वो अपने पानी में रखेंगे। ये देखिए भाप हो चुकी है अच्छे से, इसमें रखा है अपना स्टैंड, उसके ऊपर हम अपना ये रख देंगे कंटेनर और अच्छे से इसको धीमी फ्लेम पर कुक होने देंगे। 15 से 20 मिनट लगेगा करीब करीब, पहले हम 15 मिनट इसको कुक होने देंगे, उसके बाद में हम 15 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। देखिए गाइस, इसको ओपन करके देखते हैं
15 मिनट हो चुके हैं, तो इसको ओपन करके देखेंगे, चाकू इसके अंदर इंसर्ट करेंगे और देख लेंगे कि हमारा बैटर कैसा है। ये देखिए लगभग लगभग पक चुका है, बस थोड़ी सी है वही दो मिनट और इसको रखा रहने देंगे इसी तरह से, 2 मिनट बाद देखेंगे आगे। ये देखिए गाइस, फिर से ओपन करके देखेंगे और अब पूरी तरह से पक चुका है, फिर से चाकू वही इंसर्ट करेंगे। ये देखिए बिल्कुल साफ प्लेन चाकू निकल रही है, तो अब इसको हम बंद करेंगे फ्लेम को और इसको 2 मिनट ऐसे रखा रहने देंगे, फिर बाहर निकाल के रख देंगे। देखिए गाइस 5 मिनट हो चुका है, तो अब इसको हम बाहर निकाल के रखेंगे। ये देखिए पहले ही साइड छोड़ने लगा है हमारा केक, ये देखिए इसको हम बाहर निकालेंगे। देखिए गाइस लगभग 1.5 गिलास पानी डाला था, उसमें भी ये थोड़ा सा पानी बच गया है, तो इसी हिसाब से पानी ऐड करेंगे हम। ये गाइस इस तरह से काउंटर पर नहीं छोड़ेंगे, इसको हम अपने स्टैंड पर ही ऐसे रखेंगे, जिससे कि जल्दी ठंडा हो जाएगा, बाहर से भी एयर लगेगी और नीचे से भी एयर लगेगी, ऊपर से एयर लगेगी, तो ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ठंडा करते हैं, फिर मिलते हैं। ये देखिए गाइस, वैसे तो आप देख रहे होंगे कि ये साइड इसने छोड़ दिया है, ठीक है, अभी फिलहाल गर्म है, फिर भी साइड छोड़ दिया है, तो उसमें चाकू लगाने का कोई नहीं है फर्क, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कहीं कहीं जहां चिपक के रह गया हो वहां पर आप थोड़ा सा ऐसे लगा दीजिए। पलटते हैं इसको, इस तरह से प्लेट करेंगे और इस तरह से पलट के देखिए, हमने बिल्कुल थपथपाया भी नहीं है, बट बहुत गर्म है, तो इसको हम इस तरह से हटाते हैं। ये देखिए आप, बिल्कुल भी थपथपाया नहीं, बिल्कुल अच्छे से है निकल आया, तो इसको आप पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, फिर कट करेंगे। देखिए गाइस ये होता है दूध पर ढकने वाली छन्नी, ठीक है, सबके यहाँ होती है लगभग, इसको मैं ऐसे करके रखेंगे, जिससे कि देखिए इस तरह से पलट लेंगे। आप इस तरह से रखेंगे ना, तो ये हमारा जो पसीज नहीं जाता, जिससे कि ये गर्म है तो नीचे पसीज जाएगा, पानी आ जाएगा, तो इससे खराब हो जाएगा हमारा ये, तो इसकी वजह से हमने इस छन्नी पर रख दिया, जिससे एयर बाहर निकलती रहेगी, तो ये हमारा ढोकला जो है चावल का, चावल दाल का ढोकला, ये पसीजेगा नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं ठंडा होने के बाद। देखिए गाइस अब ये ठंडा हो चुका है, तो इसको हम फिर से प्लेट पर पलट लेंगे, इसको हटा देंगे और अब हम इसको सीधा कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से, और इसको मन चाहे आकार में हम कट कर देंगे। ठीक है, तो हम इसी तरह से कट करेंगे, ये देखिए इस तरह से, और तो सब कट कर लेते हैं फिर दिखा। ये देखिए गाइस कट चुका है हमारा, तो हम एक पीस उठा के दिखाते भी हैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं कितना फ्लफी है, कितना यम्मी, कितनी जाली जाली बनी हुई है, गरम है, तो हर तरफ से देखिए है। तो चलिए अब इसको हम इसके लिए फ्राई करते हैं, इसको तड़का बनाते हैं इसके लिए। देखिए गाइस, तो हमने 2 से 3 स्पून ऑयल डाला था और अब ये डाल रहे हैं हम सरसों दाना, आप इसकी जगह पर जीरा भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए आगे, देखिए गाइस सरसों दाना हमारा चिटक चुका है अच्छे से, तो अब इसमें डालेंगे 1 तेज पत्ता, इसी टाइम पर अगर करी पत्ता है तो आप डाल दीजिए। देखिए सबके यहाँ करी पत्ता नहीं होता है, तेज पत्ता सबके यहाँ लगभग मिल जाता है मसाले में, तो इसको हम डाल देंगे भूनने के लिए। और ये हरी मिर्च, जबकि आपको बताया है हमने कि हमारे बच्चे तीखा नहीं खाते हैं, इसलिए हमने खड़ी डाली है, आप चाहे तो पक के भी डाल सकते हैं। तो देखिए गाइस इन सबको हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए गाइस ये सब फ्राई हो गया, तो इसको एक साइड में कर देंगे और अपनी ये इसकी पीसेस हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है, और हल्का सा टर्न करते हुए ऐसे पका लेंगे। ठीक है, आपको क्रिस्पी पसंद है तो आप क्रिस्पी कर लीजिए, या आपको जैसे पसंद है आप वैसे कर लीजिए, ठीक है। तो अच्छा सा, जिससे कि ये जो हमारा तड़का है ना पूरी तरफ कोर हो जाए, तो ये अच्छा लगेगा। ये देखिए आप देख सकते हैं व्हाइट व्हाइट में, ये देखिए अच्छा लग रहा है इसी वजह से। तो करते हैं सारे। देखिए गाइस हम इस नाश्ते की कमी भी बताएंगे, अगर आपने अच्छे से नहीं बनाया है, अच्छे से इसमें जो हमने इनो ऐड किया था एंड इनो फॉर फ्रूट सॉल्ट अच्छे से नहीं ऐड किया, अच्छे से नहीं मिक्स किया, तो पता है इस तरह से हार्ड बनेगा। ये आप देख सकते हैं इसमें है थोड़ा सा एक पार्ट रह गया था, वहां पर शायद यहाँ पर अच्छे से नहीं मिल पाया होगा, इस वजह से ये हार्ड है। बाद बाकी ये देखिए ऊपर सारा फ्लफी है, मगर ये थोड़ा सा ये हार्ड है, तो इसको इसमें इनो बहुत अच्छे से मिलाना है, मिलाना उतनी क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा इनो भी नहीं मिलाना है, बट मिक्स अच्छे से करना है। तो चलिए इसको हम सर्व करते हैं।
ये देखिए गाइस, आज की हमारी ये रेसिपी दाल चावल का ढोकला। तो आप लोग बताइएगा ये ढोकला कैसा लगा खाने में और यम्मी है या कैसे। ये देखिए बच्चे वैसे दाल नहीं खाते, बट ऐसे दाल आज सब खाएंगे। तो आज की हमारी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।